हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में और उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेल एंड सेल थ्योरी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो सेल क्या होता है? सेल इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब में जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, दैट इज़ सेल। लेकिन सेल की स्ट्रक्चरल स्टडी को या सेल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, और एक दूसरी टर्म है सेल बायोलॉजी विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल स्टडीज़। यानी सेल जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और सेल के अंदर वेरियस काइंड के प्रोसेसेस और सेल किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी ओवरऑल सेल की जो स्टडी है दैट इज सेल बायोलॉजी। वेयर एज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट एंड कंपोजिशन पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। अब आगे बात करते हैं कि सेल से रिलेटेड वेरियस डिस्कवरीज जो हुई, तो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में एक कॉर्क का स्लाइस लिया, उसको जब उसने व्यू किया अंडर द माइक्रोस्कोप, जो कि उसकी खुद की डिज़ाइन की हुई माइक्रोस्कोप थी, तो उसने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो था या कंपार्टमेंट्स जो हैं वो उस माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के स्लाइस के ऑब्जर्व किए, और लेटिन लैंग्वेज में कंपार्टमेंट का मतलब है या उसके लिए जो वर्ड है लेटिन लैंग्वेज में दैट इज सेलुले, सेलुले वर्ड, तो वहाँ से सेल वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ। तो सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज टू रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट है कि एंटनी बॉन ल्यूवेनहॉक नाम के आदमी ने सबसे पहले डिफरेंट सेल्स को ऑब्जर्व किया और उसने बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, रेड ब्लड कार्पसल्स और स्पर्म सेल्स, इनको उसने माइक्रोस्कोप के अंडर सबसे पहले ऑब्जर्व किया। लेकिन उसने नाम क्या रखा? उसने इन सारे सेल्स को एनिमल क्यूल्स नाम दिया। और रॉबर्ट हुक ने जब सेल वर्ड क्वाइन किया, सेल वर्ड दिया, तो उसका जिक्र मिलता है उसकी एक बुक के अंदर जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की बुक के अंदर उसने कॉर्क के स्लाइस के को लेके जो कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, कंपार्टमेंट्स देखे, उनको उसने सेल का नाम दिया, और बाद में बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, आरबीसीज, स्पर्म सेल्स, इन सब को ऑब्जर्व किया ल्यूवेनहॉक ने और उसने नाम क्या दिया? एनिमल क्यूल्स। नेक्स्ट है डुजेल्डिन नाम के साइंटिस्ट ने सेल्स के अंदर, खासतौर पे प्रोटोजोन्स के सेल्स के अंदर, वेरियस काइंड के प्रोटोजोआ के अंदर उसने कुछ सेमी सॉलिड, रिजिड, सेमी सॉलिड जेली लाइक, नॉट रिजिड, सेमी सॉलिड जेली लाइक लिविंग सब्सटेंसेस प्रोटोजोआ के सेल्स के अंदर ऑब्जर्व किए, और इस सेमी सॉलिड जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस को उसने नाम क्या दिया? सार्कोडे। तो सार्कोडे वर्ड जो था वो जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस को डुजेल्डिन ने नाम दिया जो कि उसने प्रोटोजोआ के अंदर देखे। नेक्स्ट उसके बाद जे ई प्रकिंजे, प्रकिंजे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कि डिफरेंट प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, और उन प्लांट सेल्स के अंदर जो ये सेमी सॉलिड जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस देखा उसको उसने नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म, जिसको सार्कोडे बोला प्रोटोजोन्स में डुजेल्डिन ने,
उसे प्रकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म बोला। और प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ये सबसे पहले हर्टविग एंड जे एस हक्सले ने कहा। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, फिर इन द ऑर्चिड रूट सेल्स, ऑर्किडेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्चिड्स बोलते हैं। तो ऑर्चिड्स के रूट सेल्स के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की इन दी ऑर्चिड रूट सेल्स। तो ये कुछ डिस्कवरीज हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो सेल और सेल से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट, एक का नाम श्लीडन और दूसरे का नाम है श्वान। श्लीडन नाम के आदमी ने क्या किया, उसने ये कहा, उसने डिफरेंट प्लांट सेल्स को, प्लांट टिश्यूज को ऑब्जर्व किया और उसने क्या कहा कि ऑल दी प्लांट टिश्यूज और ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये जो प्लांट सेल्स हैं इनमें सबसे बाहर एक आउटरमोस्ट रिजिड कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सिमिलरली श्वान नाम के आदमी ने क्या कहा, श्वान ने ये कहा कि जैसे प्लांट सेल्स जो हैं, प्लांट टिश्यूज जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सिमिलरली जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन इन सेल्स में आउटरमोस्ट कवरिंग सेल वॉल नहीं होती, यानी सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल दी प्लांट्स एंड ऑल दी एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था। दूसरा है कि एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ बिर्चो। रुडोल्फ बिर्चो, रुडोल्फ बिर्चो ने एक उसकी सेइंग है दैट इज ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं, जिसको कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला बोला। ये किसने, रुडोल्फ बिर्चो ने। तो सारे के सारे नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। ये सेकंड पॉइंट था सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी के बेसिकली तीन पॉइंट्स हैं या दो पॉइंट्स हैं कि ऑल दी प्लांट्स एंड ऑल दी एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑल दी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल्स हैं उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। ये दो पॉइंट की जो थ्योरी है इसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं एंड इट वाज गिवन बाई श्लीडन एंड श्वान, इन दो लोगों ने ये दी। लेकिन इस थ्योरी के कुछ क्या थे, शॉर्ट कमिंग्स थी। इस थ्योरी की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ एक्सेप्शंस थी। वो क्या हैं, जैसे वायरसेस। वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। वायरसेस जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं और उनकी प्रोटीन की कवरिंग को हम कैप्सिड बोल देते हैं। तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिविंग सेल्स जैसा नहीं है, इसलिए इनका कोई जिक्र जो है वो सेल थ्योरी के अंदर नहीं किया गया। तो वायरसेस आर एक्सेप्शन टू दी सेल थ्योरी। दूसरा है कि वेरियस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्स जैसा नहीं है। इनमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है,
तो ये डिफरेंट काइंड के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी वेरियस काइंड की सेल ऑर्गेनलीज एंड वेरियस काइंड के जो क्या हैं न्यूक्लियाई, ये चीज़ें इनके अंदर नहीं हैं। इस कारण से ये भी क्या हैं, दीज आर आल्सो एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। फिर जितने भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन वाले या सिनोसाइटिक कंडीशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या सेल्स हैं, उनका कोई जिक्र जो है सेल थ्योरी के अंदर नहीं है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस के बारे में सेल थ्योरी जो है वो कुछ भी नहीं बता रही या उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट इज सर्टेन सेल्स लाइक आरबीसीज एंड सीव ट्यूब्स, दीज सेल्स लूज न्यूक्लियाई एंड सेल ऑर्गेनलीज एट मैच्योरिटी। यानी कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे आरबीसी जैसे सीव ट्यूब्स जैसे, जिनमें एट मैच्योरिटी न्यूक्लियाई भी नहीं होते, यानी वो इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, और ना ही सेल ऑर्गेनलीज इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका भी कोई किसी किस्म की बात जो है वो सेल थ्योरी के अंदर नहीं की गई है। फिर सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर नॉन लिविंग नॉन लिविंग मटीरियल जैसे कि मैट्रिक्स, उसके बारे में भी एक्स्ट्रा सेलुलर नॉन लिविंग मटीरियल यानी मैट्रिक्स के बारे में, ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में किसी तरह का कोई जो है इन्फॉर्मेशन वो सेल थ्योरी के अंदर नहीं दी गई। तो ये फाइव डिफरेंट टाइप की क्या हैं, फाइव डिफरेंट ये क्या हैं एक्सेप्शंस हैं या शॉर्ट कमिंग्स हैं सेल थ्योरी की। और इन शॉर्ट कमिंग्स के चलते फिर सेल थ्योरी के अंदर वेरियस जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको विद द एडवांसमेंट इन टेक्निक्स, वेरियस टेक्निक्स जो हैं उनमें एडवांसमेंट आने के कारण एंड न्यू डिस्कवरीज होने के कारण कुछ मॉडिफिकेशन की गई सेल थ्योरी के अंदर, और उस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी को आज हम क्या बोलते हैं, सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन भी इसको बोलते हैं, सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन। अब इसके बहुत सी जो हैं इसके पॉइंट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहला पॉइंट तो वही है कि ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और द लाइफ एग्जिस्ट्स इन सेल्स ओनली, लाइफ जो है वो सेल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। फिर है कि ये जो सेल्स हैं इन सेल्स का कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कोई मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ईच सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल ऑफ इट्स बेसिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ऑल अदर सेल्स। यानी कोई भी सेल जो है वो कैपेबल है अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। फिर इसके अलावा और पॉइंट्स अगर इसके अंदर हम दें, तो जितने भी सेल्स हैं यानी लाइफ, मैंने बोला कि लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, और इसके अलावा सेल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सारे के सारे सेल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या कुछ इंक्लूडेड है, तो साइटोप्लाज्म प्लस वेरियस सेल ऑर्गेनलीज, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है, तो ये सब कुछ प्रोटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूडेड है। तो सारे सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, सारे सेल्स जो हैं उन्हीं में है लाइफ, यानी सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के ही बने होते हैं, यानी लाइफ जो है वो सेल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा सारे सेल्स जो हैं उनका फंडामेंटल अगर हम देखें स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर वो एक जैसा होता है, यानी प्लांट सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा, एनिमल सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा एक जैसा, प्रोक्रियोट्स का एक जैसा और यूक्रियोट्स का एक जैसा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सारे सेल्स का उसमें क्या मिलती हैं, सिमिलरिटीज मिलती हैं। तो ये भी एक
फीचर है इस सेल प्रिंसिपल की या मॉडर्न सेल थ्योरी की। इसके अलावा नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल्स की डिवीज़न से पैदा होते हैं, यानी ओमिनिस सेलुला, ई सेलुला, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर किसी ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल फंक्शन जो है, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का या पूरी बॉडी का जो अगर हम फंक्शन की बात करें, तो वो फंक्शन बेसिकली कौन से फंक्शंस हैं, विच आर परफॉर्म्ड बाई ऑल ऑफ इट्स सेल्स, यानी पूरी बॉडी के सारे सेल्स का जो फंक्शंस होंगे उनको सम टोटल कर लें तो वो बॉडी का फंक्शन बन गया। तो ये एक इसका पॉइंट है सेल प्रिंसिपल का। नेक्स्ट इसके बाद है कि ऑल दी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉमन एंसेस्ट्री है, क्योंकि उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है सेल्स का वो एक जैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, इस कारण से उनकी एंसेस्ट्रल जो ओरिजिन है वो भी क्या है, वो भी सेम है। तो ये इसके पॉइंट्स आगे। और इसके अलावा क्या आएगा कि सेल्स जो हैं दे आर दी यूनिट ऑफ, जो शुरू में हमने डेफिनेशन बोली थी कि सेल्स आर दी यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, यानी सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी एक इस सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी का फंक्शन है। फिर एक चीज़ हम दे सकते हैं कि जो ग्रोथ है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो मैंने वैसे पहले भी बात कर ली, ग्रोथ जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो ओवरऑल उसके सेल्स के कारण होती है, यानी सारे सेल्स जितना ग्रो करेंगे बॉडी की ग्रोथ जो है वो सम टोटल ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑल दी सेल्स होगी। जैसे हम बॉडी के फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि पूरी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो क्या होंगे, तो वो सम टोटल ऑफ द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाई ऑल दी सेल्स, वैसे ही बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी, वो भी सेल्स की ग्रोथ के कारण ही होगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल्स जो हैं दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स थ्रू सेल्स। और वो सेल्स कौन से हैं, गैमीट्स। तो गैमीट्स के जरिए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट से आगे उनके बच्चों में, यानी सेल्स के जरिए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो ये वेरियस काइंड के हमारे पास पॉइंट्स थे मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन के। तो इतनी बात अभी हम करेंगे और इसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी के प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल। थैंक यू।